हेलो एंड वेलकम टू बैस आईसीएस, माय सेल्फ अभिषेक मिश्रा। नाउ बैक टू बैक इंडियन गवर्नमेंट ने दो मेजर कंट्रीज के साथ डिफेंस डील साइन किया है, एग्रीमेंट साइन हुआ है हमारा, एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। पहला हमने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है विथ योर अमेरिका, और दूसरा हमने जर्मनी के साथ सबमरीन बिल्डअप को लेकर के डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है डिफेंस सेक्टर से कि हमारे देश में जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसको हम और एडवांस और अपग्रेड करने की तरफ फोकस कर रहे हैं, और स्पेशली मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट पर और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट का जो मेजर हम इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट ना करना पड़े और हमारे देश में ही चीजें बने। तो चलिए फिर इसी सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं ये डिफेंस एग्रीमेंट क्या हुआ है, स्पेशली विद जर्मनी। ओके, तो हम लोग जर्मनी के साथ जो भी समझौता हुआ है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भारतीय दौरे पर थे, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के साथ उनकी बैठक हुई, और दोनों देशों ने इस बात पर समझौता किया है, एग्रीमेंट साइन हुआ है कि दोनों देश 6 एडवांस सबमरीन्स जो है वो इंडिया में बनाएंगे अंडर द गवर्नमेंट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, जिससे कि इंडियन नेवी को बूस्टअप किया जा सकेगा। भारतीय नौसेना जो है हमारी, उसके में सबमरीन्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, और अगर हमें दो स्पेशल अपने एनिमीज से निपटना है, वन इज विथ योर चाइना एंड सेकेंड इज योर पाकिस्तान, तो हमें अपने इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी तीनों को बहुत एडवांस और अपडेटेड रखना पड़ेगा। तो उसी चीज को देखते हुए भारतीय सरकार ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है और जर्मनी के साथ सबमरीन बिल्डअप पर जो है मैन्युफैक्चरिंग पर यह एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे कि हमारी नौसेना को बहुत ताकत मिलेगी और बहुत स्ट्रेंथ हमारी इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी कह लीजिए उसको मिलेगा। स्पेशली इट विल ऑल्सो बूस्ट द बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन विद अ शार्प फोकस ऑन स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। इस एग्रीमेंट के साथ जो है इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी को तो बिल्कुल फायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्गर बनाएगा और मजबूत बनाएगा दोनों के बायलैटरल रिलेशंस को। तो मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है या ये जो पूरा प्रोग्राम जर्मनी के साथ चल रहा है, ये एक्चुअली में इंडिया का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, दैट इज नोन एज P75 इंडिया, जो कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया था। इसी के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो इंडिया में ही सबमरीन बनाने पर फोकस कर रही है, जिससे कि उसकी इनपुट कॉस्ट जो है वो कम आए। तो ये जो P75 इंडिया है, इसी प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने 6 सबमरीन को बनाने का टारगेट रखा था। नाउ दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। वो आपसे पूछ सकते हैं ये P75 इंडिया प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक प्रोग्राम है मेक इन इंडिया के तहत, जिसमें अपने देश में 6 सबमरीन बनाने का एम रखा गया। यहां पर एक बात और भी ये जानना बहुत जरूरी है, दैट इंडिया क्लियर द एस्टिमेटेड 43,000 करोड़ प्रोजेक्ट 2 years ago टू स्ट्रेंथन नेवीज कैपेबिलिटीज। तो 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है भारतीय नौसेना को और स्ट्रेंथ और मजबूत बनाने के लिए 2 साल पहले ये ऐसा प्रोजेक्ट जो है 43,000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया था। नाउ ये जो P75 हमारा जो प्रोग्राम है मेक इन इंडिया के तहत, ये शुरुआत तो हो गई थी इसकी, इस पर बातचीत हो गई थी, इसको गवर्नमेंट ने इस पूरी प्रोग्रामिंग भी हो गई थी, बट इसका इंप्लीमेंटेशन जो था वो बहुत स्लो स्पीड से था। नाउ इट वॉज अ पार्ट ऑफ 30-year सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम अप्रूव बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इन 1999। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जो है सबमरीन जो इंडिया में बने उस पर बहुत ज्यादा जो है स्पीडी वर्क नहीं हो पाया था। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्ता है, अब जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है। ना जनवरी 2020 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2 भारतीय और 5 फॉरेन शिप बिल्डर्स को जो है क्लियरेंस दिया था, जिसमें जर्मनी का जो कॉन्ग्लोमरेट है TKMS, इसको भी परमिशन दे दी गई थी टू टेक पार्ट इन P75I या P75 इंडिया प्रोग्राम। तो जो सबमरीन हमारे देश में बनेगी वो एक्चुअली में इंडियन गवर्नमेंट की जो फर्म है, दैट इज नोन एज योर मजेगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, ये एज वेल एज LNT, और दूसरा जो जर्मनी का कॉन्ग्लोमरेट है TKMS, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये सबमरीन जो है वो बिल्डअप होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सबमरीन बन रही है ये एक्चुअली में इंडियन कौन सी फर्म बना रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फर्म है दैट इज नोन एज मजेगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, इसको इसी के तहत जो है ये फर्म बनेगा।
नो, यहां पर एक बात और भी ये जानने की बहुत जरूरत है कि जो हमने मतलब जो ये सबमरीन बिल्डअप है प्रोग्राम, इसमें तमाम देशों को जो है इन्विटेशन गया था और बहुत सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था, जिसमें फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच नेवल ग्रुप था, फॉर एग्जाम्पल रशियन कंपनी थी, फॉर एग्जाम्पल स्पेन की कंपनी थी, साउथ कोरियन कंपनी थी। तो ये भी कुछ ऐसी फर्म्स थी, फॉरेन फर्म्स, जिनको जो है पार्टनरशिप के लिए क्लियरेंस दी गई थी। नाउ फाइनली लेकिन जर्मनी को अभी फिलहाल ये बातचीत हुई है जर्मनी से। नाउ यहां पर एक बात और जानने की बहुत जरूरत है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है ये, कि जो ये सबमरीन बिल्डअप होगा अंडर P-75I प्रोग्राम, इट विल बी इक्विप्ड विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से ये इक्विप्ड होगा। नाउ व्हाट इज दिस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम? अगर कोई सबमरीन है जो ये AIP सिस्टम से लैस है, इक्विप्ड है, तो उसके में एक खासियत ये होती है कि बहुत लॉन्गर पीरियड तक पानी के अंदर रह सकती है। अदरवाइज आप देखेंगे कि नॉर्मली सबमरीन को पानी के ऊपर आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऊपर आना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि दुश्मन के रडार वगैरह जो है वो आपके सबमरीन को ट्रेस कर सकते हैं। नो, इस पर भारत में भी ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, DRDO हमारा AIP सिस्टम पे वर्क कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जर्मनी ही एक ऐसा देश है जहां पर ऐसी सिस्टम या ऐसी टेक्नोलॉजी पाई जाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जर्मनी के साथ इसी प्रकार की सबमरीन बनाने का ये कॉन्ट्रैक्ट या ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हो रहा है, जिसमें जब जो हमारी सबमरीन होंगी वो लॉन्गर पीरियड तक पानी के अंदर रह सकेंगी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एज फार एज इंडियन डिफेंस सिस्टम इज कंसर्न। तो हम बहुत एडवांस डिफेंस सिस्टम की ओर मूव कर रहे हैं, स्पेशली मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू। तो ये एक हमारी एक स्ट्रेंथ को, हमारे डिफेंस स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। नाउ विद P-75I बीइंग क्लियर्ड इन 2021, द कंट्री टुक स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ इट्स 30-year सबमरीन कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। नाउ जनरली जो नेवी है हमारी, उसका प्लान है टू ऑपरेट अ फ्लीट ऑफ 18 न्यू कन्वेंशनल सबमरीन्स एंड 6 न्यूक्लियर पावर्ड बोट्स। द गवर्नमेंट अप्रूव द प्लान टू बिल्ड 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इन 2015। 2015 में 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को बनाने की अनुमति, उस प्लान को सरकार ने अनुमति दी थी। नाउ ऑल्सो इट प्लान्स टू ऑपरेट अ फ्लीट ऑफ 4 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो ये हमारी नेवी का फ्यूचर प्लान है कि हमारे नेवी में इस तरीके से फ्लीट होनी चाहिए। नाउ जो ये इंडिया और जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर्स की जो बातचीत हो रही है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट और ये भी है कि इंडिया और जर्मनी के जो रिलेशंस हैं वो एक्चुअली में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक पहुंच चुके हैं, और ये सिंस 2000 से शुरू हुआ। नाउ इंडिया एंड जर्मनी हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिंस 2000, नाउ विच हैज बीन स्ट्रेंथेंड थ्रू इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशंस एट द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट सिंस 2011। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इंडिया जर्मन रिलेशन, कि भारत और जर्मनी के रिलेशन जो है वो साल 2000 से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जो है वो काम किए जाते हैं। नाउ अब यहां पर ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया और जर्मनी के बीच जो डिफेंस टॉक चल रही है, इट विल गिव अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर। नाउ इट इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इट विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हमने जर्मनी को इन्विटेशन दिया है टू इन्वेस्ट इन कंट्रीज 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 1 इन उत्तर प्रदेश एंड 2 इन तमिलनाडु। तो एक उत्तर प्रदेश में देखिए डिफेंस कॉरिडोर और एक तमिलनाडु का डिफेंस कॉरिडोर, इन दोनों में जर्मनी जो है वो इन्वेस्ट करेगा। भारत सरकार ने जर्मनी को इन्विटेशन दिया है। नो, इससे नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, डिफेंस सेक्टर में रोजगार क्रिएट होगा, प्लस भारत कहीं ना कहीं डिफेंस में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो दुनिया में जो हमारी एक पहचान है कि इंडिया इज द बिगेस्ट बायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, हम उसको खत्म कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा खासा अमाउंट पैसा जो है वो डिफेंस सेक्टर पे हमें खर्च करना पड़ता है जब हम रक्षा उपकरणों को, डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदते हैं। तो अगर हम अपने ही देश में डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने लग जाएं, तो हमारा जो बजट डिफेंस पे खर्च होता है वो बहुत कम हो जाएगा, और रोजगार अपॉर्चुनिटीज वगैरह, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह जो है वो इंडिया में जनरेट होंगी। नाउ इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री कुड पार्टिसिपेट इन द सप्लाई चेन ऑफ जर्मन डिफेंस इंडस्ट्री एंड एड वैल्यू टू द इकोसिस्टम बिसाइड्स कंट्रीब्यूटिंग टू सप्लाई चेन रिसिलियंस। नाउ भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो भी जर्मनी डिफेंस इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट कर सकती इन द सप्लाई चेन एंड दे कैन ऑल्सो एड वैल्यूज टू दैट इकोसिस्टम, ऐसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर का मानना है। साथ ही साथ इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस डिफेंस सेक्टर से आगे जाकर के भी बहुत सारे शेयर्ड गोल्स
और बहुत सारे अदर एरियाज पर भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ दोनों के जो रिलेशंस हैं वो और मजबूत हो सकते हैं। इसमें भारत जर्मनी को स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड कर सकता है एट द कॉम्पिटेटिव कॉस्ट। दूसरा, जर्मनी इंडिया को हाई टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट दे सकता है, तो हमको टेक्नोलॉजी मिल सकती है, हमको निवेश मिल सकता है और जर्मनी को कहीं ना कहीं उचित दाम पर एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर स्किल्ड वर्कफोर्स मिल सकती है। तो दोनों के जो गोल्स हैं वो इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस के थ्रू और मजबूत हो सकते हैं, जिसमें डिफेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नाउ एज फार एज सबमरीन पोजीशन इज कंसर्न्ड इन इंडियाज नेवी, तो भारत की नेवी में एक्चुअली में जो सबमरीन्स हैं वो अब बहुत पुरानी हो गई हैं, तो हमारी जो नौसेना है वो इस पुरानी मतलब इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है कि जो सबमरीन्स हैं दे आर नीडेड, हमको सबमरीन्स की बहुत आवश्यकता है। नाउ द इफेक्टिव पेट्रोल ऑफ टू द इफेक्टिव पेट्रोल ऑफ इंडियन ओशन द इंडियन नेवी नीड्स अ मिनिमम ऑफ 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स। अगर हमको अपने इंडियन ओशन की सुरक्षा और बढ़ानी है, उसकी पेट्रोलिंग इफेक्टिवली करनी है, अपने डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करना है, चाइना को काउंटर करना है, तो हमें सबमरीन्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि भारत की नेवी में सबमरीन्स बहुत पुरानी हो रही हैं, बहुत ओल्ड हो रही हैं, तो ये एक हमारे लिए चैलेंज है और हमको कम से कम 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स की आवश्यकता है, बट करेंटली वी हैव ओनली 16, तो हमें शॉर्टेज है, हमें कमी है सबमरीन की, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ सबमरीन नो ऑफ दिस फ्लीट। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे 24 की आवश्यकता है, लेकिन करंटली है 16, जिसमें आप देखिए 6 जो है वो रिसेंटली बिल्ड वेसल्स हैं एंड द रेस्ट आर ओवर 30 ईयर ओल्ड एंड आर लाइकली टू बी डीकमिशन्ड इन इयर्स टू कम। मतलब 6 जो हैं वो अभी हाल ही में कमीशन्ड की गई है, अभी हाल ही में बनाई गई हैं, जोड़ी गई हैं इंडियन नेवी में, और बाकी जो है वो 30 साल पुरानी है। तो कितनी ओल्ड हो रही है सबमरीन्स, कितनी पुरानी हो गई है, कितनी आउटडेटेड हो गई है, और अभी आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि वो डीकमिशन्ड हो जाएंगी। तो हमें जो है सबमरीन्स की प्रॉब्लम्स को जो है उसको पूरा करना है, उसको कंपेंसेट करना है। तो इस वजह से ये जो इंडिया और जर्मनी का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे सेक्टर डिफेंस सेक्टर के लिए, स्पेशली नेवी के लिए होने जा रहा है। ना यहां पर एक और फैक्ट जानने की बहुत जरूरत है कि जब हम ये कहते हैं दैट इंडिया इज द बिगेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट बायर इन द वर्ल्ड, तो सबसे ज्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट भारत को सप्लाई करता है वो है रशिया, और हमारी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर ज्यादा है। सबसे ज्यादा हम डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं रशिया से, हालांकि हाल फिलहाल के दिनों में इसमें थोड़ी गिरावट देखी गई है, जो पहले 62% था अभी वो 45% पे आ गया है, लेकिन फिर भी अभी भी इस समय भी रशिया जो है वो टॉप पे बना हुआ है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया। उसके बाद आप देखेंगे देन कम्स दी फ्रांस, तो फ्रांस वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट विद 29% शेयर, सरपासिंग दी यूएस एट 11%। तो जो हमारी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर ज्यादा है वो कहीं ना कहीं जर्मनी के इंटरेस्ट में नहीं जाती, तो इस वजह से, क्योंकि आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है, तो इस वजह से भी अच्छा हाल के दिनों में जो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया तो उसमें कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से खरीद नहीं पाए, तो हमारी डिपेंडेंसी जो है वो रशिया के ऊपर ज्यादा है, तो अब वो भी थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम और कौन कौन से कंट्रीज है जहां से हम डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं। लेकिन अच्छा ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मानना ये है कि हमारी डिपेंडेंसी दुनिया के देशों पे कम होनी चाहिए, और बल्कि दुनिया के तमाम देशों की डिपेंडेंसी भारत पे होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो अब तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत में ही बनाने शुरू कर दिए हैं, और दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं, 100+ ऐसी कंट्रीज हैं जिनको हम डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई भी अब करने लग गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और हमारे लिए बड़ा प्राउड का मोमेंट है कि अब हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।